सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर काफी तेजी से चलेगा। दरअसल चंद्रयान 3 के लिए आने वाले 14 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चल रहा है। विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान बाहर निकल चुका है। रोवर लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वो 14 दिनों तक ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलेगी। लैंडर और रोवर इन दिनों में पूरी सक्रियता के साथ इसरो को सूचनाएं भेजेगा। दरअसल 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाएगी। ये रात कोई एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 14 दिनों तक के लिए होगी। रात होते ही यहाँ बहुत अधिक ठंड होगी, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया। अगर दोनों 14 दिन बाद सही सलामत काम करते हैं तो ये भारत के चंद्र मिशन के लिए बोनस होगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। विक्रम और प्रज्ञान हो सकता है काम ना करें, लेकिन ये चंद्रमा पर ही रहेंगे। भारत के चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम, प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। इसरो पहले ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की तस्वीर साझा कर चुका है। ये तस्वीर बुधवार शाम 6:04 पर हुई सटीक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के कैमरे से ली गई। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र पर उतरा। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। सबसे खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर पहले कभी कोई नहीं गया। ये पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का साहस किया। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर जैसे ही है। प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सहजपाल का कहना है कि योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लैंडर के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों वाले उपकरण के साथ ही वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देगा। इन पहियों और अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंड के बाद रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वो 14 दिनों तक होगी, क्योंकि चांद की पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलती रहेगी। उनका कहना है कि रोवर से मिलने वाली जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है, क्योंकि वो चांद की सतह पर जाकर आगे बढ़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 दिनों के भीतर रोवर चांद पर अपने तय रास्ते को न सिर्फ पूरा करेगा, बल्कि उसकी पूरी सूचनाएं भी इसरो के डाटा सेंटर को भेजता रहेगा। संजीव सहजपाल का कहना है कि सिर्फ रोवर ही नहीं, बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीकी जानकारियां मिलती रहेंगी। वो ये भी बताते हैं कि लैंडर और रोवर 14 दिनों तक पूरी सक्रियता के साथ हमें सूचनाएं भेजेंगे। उनका कहना है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों तक सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद की सूचनाएं या तो मिलनी बंद हो जाएंगी या उनकी स्पीड न के बराबर हो जाएगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।